दोस्त को बचाने के लिए दोस्त ने गंवा दी जान, झील में डूबते दोस्त के लिए दे दी कुर्बानी। MBBS की करने गया था पढ़ाई, घर आएगा शब, घर में मचा कोहराम, रो रोकर बुरा हाल। बेतिया के हैसवा गांव में कोहराम मचा है, लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। दरअसल इस गांव के लाल मोहम्मद आदिल की कजाकिस्तान में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आदिल अपने हरियाणा के एक दोस्त हिमांशु के साथ एक झील के पास घूमने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से हिमांशु झील में गिर गया, जिसे बचाने आदिल खुद झील में कूद गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हिमांशु तो बच गया, लेकिन आदिल अभी तक लापता है, जिसकी तलाश अभी भी झील में हो रही है। उधर घटना की सूचना पर पीड़ित परिवार से मिलने पंचायत के मुखिया नवीन कुमार पहुंचे। इस दौरान मुखिया ने बताया कि मृतक 3 भाई और 2 बहन में सबसे बड़ा था। परिजनों के अनुसार अब तक शव नहीं मिल पाया है, शव झील से मिलते ही वापस लाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। और बच्चे नहाने लगे, मेरा लड़का जो है नहा नहीं रहा था बल्कि किनारे पर खड़ा था। एक दोस्त है इसका, जिसका नाम है हिमांशु, जो हरियाणा का रहने वाला है और इसका रूममेट भी है, तो वो जो है किनारे से देख रहा है जो लड़का जो डूब रहा है, और देखा कि हमारा दोस्त जो डूब रहा है, बस ये एकदम जोर लगा के दौड़ा, जो दौड़ा डूबा फिर डूबते ही रह गया, दोनों लड़के डूब गए उसमें। उसके बाद में हम लोग को जो है खबर मिला, फिर हम फोन लगाना इधर उधर शुरू की, एम्बेसी वगैरह में यहाँ के जो भी लोकल जो रहने वाला है खादेश के, उन लोगों से हम लोग ये किए, लेकिन अभी तक जो है दिन के अभी तकरीबन 5:30 हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे का जो है अभी बॉडी नहीं मिला है, दोनों बच्चे का। और वहाँ का जो लोग गवर्नमेंट का जो लोकल लोग हैं रेस्क्यू कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी बात नहीं, लेकिन मिल नहीं रहा है। वहीं इस घटना की खबर से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जान गंवाकर भी आदिल ने दोस्ती की मिसाल पेश की है। उसने दोस्त की जान बचाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। विनोद कुमार, बेतिया।